नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बताने वाला हूं कि 12th का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड करना चाहते तो गाइस आज की इस वीडियो में वही बताने वाला हूं कि अपना पंजीयन कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो बहुत ही आसान तरीका से। जो है गाइस आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। गाइस वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। और इस चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलते हैं अपने मोबाइल फोन के होम स्क्रीन पे, वहीं पे चल के आपको बताते हैं कि अपना डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हो बहुत ही आसान तरीका से। गाइज सबसे पहले गाइज आपको करना क्या है, आपको कोई भी ब्राउजर खोल लेना। चलिए मैंने यहां से क्रोम ब्राउजर खोल लेते हैं। जैसे क्रोम ब्राउजर खोलिएगा यहां पे मैंने यहां पे आपको इस वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, वहां से आप डायरेक्ट आ सकते हो या नहीं तो इस वेबसाइट को ऐसे www.bihar board online इस पे क्लिक करके आप जा सकते हो। नहीं तो मैंने इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप डायरेक्टली आप यहां पे आ सकते हो। जैसे उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा ऐसे खुल जाएगा। ऐसे खुलने के बाद गाइस यहां पे जो है अपना डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड बहुत ही इजीली तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड, यहाँ पे आपको कॉलेज सेलेक्ट कर लेना आप किस कॉलेज में एडमिशन है आपका। तो यहाँ पे चलिए मैंने यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए पहले कॉलेज सेलेक्ट हम कर लेते हैं। यहाँ पे सर्च करके आपको कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको फैकल्टी में आपको कौन सा सब्जेक्ट है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सब यहाँ पे दिया हुआ है। आपको जो यानी कि सब्जेक्ट है वो ले लेना है। चलिए यहाँ से आर्ट्स सब्जेक्ट है वो ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद गाइस और उसके बाद उसका फादर नेम यानी अपना पापा का नाम यहाँ पे दे दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको फिल कर देना है। यहाँ पे कैलेंडर वाले ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा यहाँ से जो है अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा यानी जन्मतिथि यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद गाइज आगे बताते हैं, वीडियो को स्किप नहीं करना है नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। और इस चैनल पे पहली बार विजिट की तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए गाइस। और वीडियो को जो है ध्यान से देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ताकि अपने मोबाइल फोन से जो है आप वो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड वो डाउनलोड कर सकें। तो इसी तरह आप डाल लेना है यानी कॉलेज नाम, आप फैकल्टी क्या है यानी आर्ट विषय जो भी कॉमर्स वो डाल लीजिए। उसके बाद स्टूडेंट नाम, फादर्स नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। और उसके बाद गाइस आपको करना क्या है, व्यू ये जो दिखाई दे रहा है व्यू, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका जो है नाम आ जाएंगे और उसके बाद गाइस वहां पे डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएंगे। थोड़ा नेट स्लो है, चलिए थोड़ा वीडियो को वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे जो थोड़ा जूम कर लेते हैं यानी कि यहाँ पे ऑल सीरियल, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का नाम आ गया यानी कि जो भी है हर चीज आ गया, कॉलेज आ गया। उसके बाद गाइज यहाँ पे टिक कर लेना है। इधर जो है टिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और देखने को मिल रहा है, डाउनलोड रिपोर्ट्स, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड हो जाएंगे। आप उसमें देख सकते हो अपना जो भी है सब्जेक्ट सब अभी आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा वेट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड हो चुका है यानी कि आपका पंजीयन जो है यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पे जूम करके आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो है सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे प्रिंट, ये जो सबसे नीचे आपको देखने को मिल रहे हैं प्रिंट, उस पर आप क्लिक करके जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। और उसमें जो भी आपका त्रुटि हो यानी कि नाम में जो भी गलती हुआ है आपका नाम में सब्जेक्ट में, वहाँ अपने कॉलेज जाके अपने प्रिंसिपल से मिलिएगा, उसके बाद वहाँ से सुधार कर देगा। अभी तो डमी है, ओरिजिनल अभी नहीं आया है। इसी तरह आप भी कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से गाइस।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे गाइज। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है गाइज। तो यहाँ पे आपको प्रिंट पे क्लिक करना है। प्रिंट पे जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिए आपके सामने यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद गाइज यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे पीडीएफ। पीडीएफ में तब तक अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिएगा, कहीं से आप प्रिंट निकलवा लीजिएगा किसी दुकान पे जाके। इसी तरह आप भी कर सकते हो बहुत ही आसान तरीका से गाइज। यहाँ से आपको सेव कर लेना है और इसका जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली कर सकते हो, आपका जो डाउनलोड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। धन्यवाद गाइज।